जस्ट टू लेट यू नो कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आपको कोई भी दवाई कंटिन्यूअसली ज्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं लेनी चाहिए, इसकी वजह से आपको ड्रग टॉलरेंस हो सकता है। तो आखिर ये ड्रग टॉलरेंस है क्या, इसी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सो है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज ऋषिकेश कुराड़े एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोई भी दवाई हो, वो दवाई आपको ज्यादा टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यूसली यूज नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे वजह ये है कि इसके वजह से आपको ड्रग टॉलरेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं पेन किलर का एग्जाम्पल। तो कोई भी पेन किलर है, आप फॉर एग्जाम्पल की मुझे कुछ चोट लग गई और मैंने पेन किलर ले ली, वो है 500 mg की एक टैबलेट। तो पहली बार मुझे दर्द हुआ तो मैंने एक टैबलेट ले ली और उसकी वजह से मुझे रिलीफ मिल गया, मेरा सारा जो पेन था वो चला गया। अब अगली बार मैंने पूरे एक महीने तक वो पेन किलर रेगुलरली ले ली, तो इसके वजह से क्या होगा कि मेरी बॉडी का वो हैबिट हो गई है कि जब भी मुझे पेन होगा मैं एक टैबलेट लूंगा 500 mg की और उसकी वजह से मेरा पेन कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसे कंटिन्यूअसली यूज करना स्टार्ट करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि आफ्टर वन मंथ मतलब एक महीने बाद जब आपको कोई भी ऐसा पेन होगा और आप वो 500 mg की टैबलेट लेंगे तो आपका जो पेन है वो कम नहीं होगा। इसका मतलब अगर आप उसे रेगुलरली ले रहे हैं तो एक महीने बाद वही सेम रिजल्ट आपको मिलने के लिए आपको 600 mg, 700 mg ऐसी ज्यादा स्ट्रेंथ की टैबलेट लेनी पड़ेगी। तो इसे कहा जाता है ड्रग टॉलरेंस। मतलब जब आप पहली बार जब आपने टैबलेट ली तो सेम पेन को कम करने के लिए आपको 500 mg की टैबलेट मतलब सफिशिएंट होती थी, लेकिन अब एक महीने बाद जब आपने वो रेगुलरली ली है तो एक महीने बाद वही पेन को कम करने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रेंथ की टैबलेट लेनी पड़ेगी। उसी स्ट्रेंथ की टैबलेट से अब आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो इसे कहा जाता है ड्रग टॉलरेंस। तो इसी चीज की वजह से मैंने कहा कि आपको किसी भी टाइप की मेडिसिन हो, या है वो पेन किलर हो या फिर कोई भी टाइप की मेडिसिन हो, वो आपको कंटिन्यूअसली बहुत ही ज्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ ज्यादा पेन किलर लेने की वजह से उसका इफेक्ट आपके हार्ट पर हो सकता है, आपके लंग्स पर हो सकता है, देन साथ ही साथ आपके किडनी पर भी इसका इफेक्ट हो सकता है। तो कोई भी मेडिसिन हो वो आपको एक ज्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। कुछ टाइम के बाद आपको उसे यूज करना बंद कर देना चाहिए ताकि आपको ये ड्रग टॉलरेंस का प्रॉब्लम ना हो। तो छोटी सी चीज है लेकिन आपको पता होना जरूरी है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक से नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।